अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इरम फैमिली। तो आज मैं करने जा रही हूँ एक मेकअप लुक। मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज़र कर लिया है और जो है अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। डॉट 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 करके मैं अपने पूरे फेस पे जो है फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी और एक अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आप इसको जो है पूरे फेस पे डैप 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 करके अच्छे से इसको फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेना है हमें। सो मेरा फेस जो है अभी बहुत ज़्यादा डल हो रहा है और ये जो है फाउंडेशन वो बहुत ही अच्छा, थोड़ी सी थिन कंसिस्टेंसी में है तो बहुत अच्छा है। और अभी मैं इसको मैं जो है पूरे फेस पे पहले अप्लाई कर लूँगी अच्छे से डैप 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 करके, कहीं पे भी आपकी बाकी जगह ना रहे। और अब यहाँ पे मैंने लगा लिया है कंसीलर, जो है इनसाइड का कंसीलर है, कंसीलर प्लस फाउंडेशन। और कंसीलर मैंने इसलिए ज़्यादा लगाया है ये हाई कवरेज देने के लिए, क्योंकि मेरा जो फेस है अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डल चल रहा है। और एक्नी है, डार्क सर्कल है बहुत ज़्यादा, ये सब था, तो इसलिए मैंने ये लगाया। और ब्यूटी ब्लेंडर का आप जो बैक साइड जो आपका क्लीन एंड क्लियर होता है ना, उससे आप जो एक्स्ट्रा फाउंडेशन एंड कंसीलर है उसको आप ऑब्जर्व कर लें। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सेटिंग पाउडर। आप लूज पाउडर या फिर आप कॉम्पैक्ट जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। आप अपने अंडर आइज एरिया को जो है सेट कर लीजिए। उसके बाद मैं लूँगी अपना एक लिप बाम, ताकि जो होट है वो अपने लिप्स मॉइस्चराइज़र हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो गए फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट की वजह से। अभी मैं ये लगा के क्लीन कर लूँगी और फिर से लिप बाम लगा लूँगी अपना, ताकि होट अपने मॉइस्चराइज़र रहे। और यहाँ पर मैं एंकलर ब्रश ले लूँगी, एक ये पहले अपने आईब्रोज़ को ब्रश कर लूँगी और उसके बाद जो है आईब्रो को मैं शेप दे दूँगी। और आईब्रो को मैं ज़्यादा ओवर शेप नहीं दूँगी, क्योंकि मेरी जो आईब्रो है वो पतली सी है, तो बस मैं इसको एक अच्छा सा लुक दे दूँगी। ब्लैक या ब्राउन जो आप चाहे वो कर सकते हैं, ब्राउन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हो गई है मेरी आईब्रो दोनों डन। और अब आती है हमारे आईज़ की बारी। यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, मेरी जो आईलैशेस है वो सिर्फ बॉक्स था और आईलैशेस मैंने फेंक दी थी, मुझे बाद में याद आया, क्योंकि मेरी आईलैशेस ख़राब हो गई थी और आईलैशेस ही जो है आपका अच्छा लुक देती है। यहाँ पर मैं एक आई पैलेट में से ब्राउन कलर का एकदम लाइट ब्राउन शेड सा भी मैं बेस अप्लाई कर रही हूँ। मैं अपने आईज़ पे ये बेस अप्लाई करूँगी, फिर उससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन ले लूँगी, जो होता है ना रेड सा मट्टी सा कलर होता है हल्का सा। उसको, ये दोनों बेस है और मैट कलर है जो आपकी आईज़ को अच्छा लुक देंगे बाद में। फिर इसको भी मैं यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी। अब मैं जो है थोड़ा सा डार्क वाला अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर और अपनी पूरी आईज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। फिर अब मैं दूसरी आई पैलेट लूँगी, ये मेरी फेवरेट है और बहुत पुरानी, इसका मैंने 100 रुपीज़ में लिया था। आई होप आप सब लोग भी जानते होंगे, मुझे इसके आई शेडोज बहुत पसंद है और इनकी पिगमेंटेशन भी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर जो है मैं इसमें से डार्क ब्राउन सा ले लूँगी, जो मैट नहीं होगा, थोड़ा सा जो वैसा होता है ना गीला सा हल्का वैसा लुक लूँगी। और यहाँ पर फिर से मैंने लिया है डार्क ब्राउन कलर का शेड, जो मट्टी सा होता है ना, कॉफ़ी सा, हाँ वो। और फिर अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जो मैं अपनी आधी आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, मैंगो एंड गोल्डन सा शेड जो बहुत ही ब्राइट करेगा आँखों को। तो मैं हाफ पे ही लगाऊंगी और लिड पे मैं दूसरा अप्लाई करूँगी और यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा हो गया ना फॉल आउट होते हैं, क्योंकि तो शेड जो होते हैं ऐसे ही डार्क, तो मैं इसको सेट कर लूँगी। जो भी स्मच हुआ है उसको मैं क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं लूँगी ये ग्लिटर जो है ब्राउन कलर में ग्लिटर है ये। मैंने जो है इसलिए अप्लाई किया है ये मैंगो सा गोल्डन सा शेड, क्योंकि जब आप ब्राउन कलर का ये जो ग्लिटर लगाओगे ना उसके ऊपर ये लुक अच्छा देगा, क्यों ये आपको ना उठा कर लुक देगा, ऐसे फ्लैट सा और दबा दबा सा लुक नहीं देगा। इसलिए मैंने ये करा। और इसके ऊपर जब मैंने ब्राउन कलर की ये ग्लिटर लगाए तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इससे जो आपकी आईज़ को लुक है ना वो इनहेंस कर दिया है इसने, जो हमने बेस में ये गोल्डन और मैंगो सा शेड लगाया था। और हाफ़ आईज़ को मैं जो है, क्योंकि मैंने हाफ़ आईज़ तो अपनी ब्राइट कर ली है एकदम ग्लिटर के साथ, और पूरी आईज़ पे आप अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा ओवर हो जाता है। ओकेजन के हिसाब से अच्छा लगता है कि आपके घर में क्या फंक्शन है, जो भी है, आप कहाँ जा रहे हो। और हाफ आईज़ को जो हमें है ये स्मच कर लूँगी स्मोकी, थोड़ा सा लाइट ग्रे सा स्मच किया मैंने और थोड़ा सा ब्राउन सा स्मच किया। अब आती है लाइनर की बारी। मैं लैक्मे का लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर लगाना कैमरे के सामने बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं जैसे कैसे करके लगा लेती हूँ। और मेरी लैशेस नहीं दी करके इसलिए मैंने जो है अपनी लाइनर को थोड़ा सा ना थिक सा रखा है।
मोटी कंसिस्टेंसी में रखा है, चौड़े चौड़े लाइनर लगाए हैं क्योंकि लैशेस नहीं थी, तो आईज़ को जो है एक अच्छा सा बड़ा सा गेटअप देना था ताकि आपकी आईज़ बड़ी लगे। और यहाँ पर जो है मैं सारा कॉम्पैक्ट से सेट कर लूँगी अपना फेस, और उसके बाद जो है अभी लाइनर सूखने को ना थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैं आईज़ को अभी थोड़ा सा हम ऐसे रहने देंगे। इतना मैं ब्लश कर लेती हूँ, आप जो भी शेड लेना चाहे, और ऊपर की तरफ अपर पोर्शन में जो है लिफ्ट करके आप अपना ब्लश कर लीजिए। तो जहाँ जहाँ हमें ब्रश की ज़रूरत है वहाँ मैं पूरा ब्रश कर लूँगी फेस पे, नोज़ पे, चिक पे, चिन पे, जो भी है। अब आती है कॉन्टोरिंग की बारी, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ कॉन्टोर। सबसे पहले मैं अपने चिन पे कॉन्टोर कर रही हूँ, और ब्लेंड ब्लेंड बहुत अच्छे से करना है आपको, क्योंकि ये जो कॉन्टोर का टाइम होता है ना उसमें ब्लेंडिंग 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 बहुत फास्ट फास्ट और अच्छे से करनी होती है आपको, क्योंकि जो है वो ब्राउन शेड वो जम जाता है और फिर वो ऐसा ना एकदम गंदा सा लुक देता है। तो अच्छे से आपको ब्राउन करना है, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अपने कट्स कर लूँगी, इसको कॉन्टोरिंग कर लूँगी कट्स को अपने फेस की, और नोज़ कॉन्टोरिंग कर लूँगी, चिन कॉन्टोरिंग कर लूँगी, जहाँ जहाँ कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है वो भी कर लूँगी। नोज़ की कॉन्टोरिंग बहुत डिफ़िकल्ट लगती है मुझे, फिर भी कर लेती हूँ जैसे तैसे। और फिर जो है हम अपने यहाँ पर इसको अच्छे से कॉन्टोर करके सेट कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट लूँगी इसके साइड में, और ऊपर पोर्शन में जो है मैं कॉम्पैक्ट लगा के सेट कर लूँगी ताकि मेरा कॉन्टोरिंग सेट हो जाए। और फिर इसके बाद आती है हमारी लिपस्टिक की बारी, तो इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। और अब हमारी लिपस्टिक की बारी, तो हमारा ये लिप ग्लॉस जो है उसको हम क्लीन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लिपस्टिक लगाएंगे। सो ये है मरून सा शेड में लिपस्टिक है, तो बहुत डार्क है ये, मैं इसका एक ही स्ट्रोक लूँगी, और एक ही स्ट्रोक में ये देखिए कितनी ज़्यादा डार्क लग रही है, तो इतनी ज़्यादा मुझे ये डार्क नहीं चाहिए, मैं बाद में जो है सही कर लूँगी इसको। सो और अभी यहाँ पर जो मैं है पेंसिल कर लेती हूँ अपना आउटलाइन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिप्स को शेप देते हैं, आपके लिप्स को इन्हेंस कर देते हैं ये। सो बस यहाँ पर ये मैं अच्छे से लिप लाइनर अप्लाई कर लूँगी। आई होप आपको मेरा मेकअप लुक फाइनल पसंद आएगा और अच्छा लगेगा, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं, सो जैसा कैसे मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना जैसे भी मुझे आता है। सो आई होप बस आपको पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना आप लोग। सो यहाँ पर जो है मैंने अपना ये डन कर लिया अच्छे से, और हाँ लिप्स को जो है जैसा शेप है वैसे ही देना, आपको ऊपर नीचे ओवर बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इसकी लाइनिंग जो है वो बहुत अच्छे से शेप में लानी है, ठीक है। ये हमारा जो है वो डन हो गया, और उसके बाद में टिश्यूज ने एक दो बार इसको ऐसे कर लूँगी ताकि ये थोड़े से लाइट हो जाए, तो मैंने कर लिया था। और अब आती है हाइलाइटर की बारी। सो हाइलाइटर मैं आपको पहले ही बता दूँ कि शायद आप लोगों को ना इतना ज़्यादा पता ना चले मोबाइल में, क्योंकि मैं जो है गैलरी में बैठकर ही अपना मेकअप कर रही थी, और हाइलाइटर मेरा ये मैक का है जो कि बहुत पुराना है, और इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा इसका कवरेज अच्छा दिया था, लेकिन जो है आपको धूप में इतना मालूम नहीं पड़ेगा, धूप थी क्योंकि और जो है मोबाइल में इतना कैमरे में मालूम नहीं पड़ रहा था, लेकिन रियल में मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटर किया था और फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई हो रहा था। जब मैं अंदर कमरे में आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइट में जो हाइलाइटर होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन धूप में इतना मालूम नहीं पड़ रहा था, और कैमरे में और भी ज़्यादा मालूम नहीं पड़ रहा था। और मैं अपने ये ब्रो बोन्स पे जो है वो भी हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, जहाँ जहाँ आपको हाइलाइटर की ज़रूरत है लगता है आपको, तो वहाँ आप हाईलाइट कर लो, आपके फेस को अच्छा लगता है। लिप्स के ऊपर भी जो है वो उठा कर लुक दे देता है, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे लग रहा था कैमरे में दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा और लगाती, लेकिन मैं कितना भी लगाऊँ वो कैमरे में इतना मालूम पड़ नहीं रहा था, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा था। सो आप हाइलाइटर को ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका हाइलाइटर अच्छा होना चाहिए। बस यहाँ पर हो गया हमारा मेकअप डन, और अब रह गया हमारा मस्कारा, जो कि लाइनर सूखने में बहुत टाइम ले लिया था, लाइनर ने एक दो बार फैल भी गई थी, मैंने वो साफ़ किया था, और मस्कारा ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया, वरना ये और ज़्यादा अच्छा लुक देता मेरी आईज़ को। सो मैं कैसे कैसे इसको जैसा भी था लगा, तो मैंने लगा लिया, क्योंकि ये पूरा ड्राई हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और लैशेज भी थी नहीं, तो और ज़्यादा ना मेकअप मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देता था, लेकिन बहुत अच्छा लगा था फाइनल में। और अब मेरे आती हेयर्स की बारी, मैं हेयर स्ट्रेट करके आपसे मिलती हूँ। सो हो गए हमारे स्ट्रेटनिंग यहाँ पे डन, और हमारा मेकअप भी डन हो गया। मैं हेयर स्टाइल करने की सोच रही थी, लेकिन ना टाइम भी इतना नहीं था, और टाइम लग जाता, और फिर मैंने सोचा कि ऐसे रहने देते हैं। और अब हमारा मेकअप जो है कंप्लीट होता है हमारे ईयरिंग्स के साथ, तो मैंने बड़े बड़े से ये ईयरिंग्स डाल लिए हैं, जो बिल्कुल मेरे ड्रेस के मैचिंग में जा रहे हैं,
सो हमारा जो लुक है वो डन हो गया है। और ये इयररिंग्स बहुत ही प्यारे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रिंग्स जो है काफ़ी पुरानी है, 4 साल पुरानी है, लेकिन मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके एक दो स्टोन भी निकल चुके हैं, लेकिन मैं इसे लगाती हूँ, मतलब पहनती हूँ। और ये मैंने बैंगल लिया है, ये जो सिल्वर एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन में है, जो कि हर ओकेज़न पे आपको जाएगा, चाहे आप कोई सा भी ड्रेस या कोई सा भी लुक करो, सब पे जाएगा। और ये मेरा डेली यूज़ का ब्रेसलेट है जो मैं हमेशा पहनती हूँ। ये रहा मेरा फाइनल लुक जो कि मैं आपको फुल दिखा रही हूँ मेरे शॉर्ट हेयर के साथ, जैसे मेरे अब हेयर जो है शॉर्ट हो चुके हैं। सो कैसा लगा आपको ये? थोड़ा सा मैं ऐसा दिखा रही हूँ जूम करके कि आपको फेस कैसा लगा, और आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि अब मेरा जो मेकअप लुक है वो कैसा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है, अब आपको थोड़ा सा हाईलाइट नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा? मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना, कमेंट भी करके बताना। चलिए आई होप आपको पसंद आया। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।